हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है रीजनिंग के टेस्ट पेपर पे आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ बच्चों को टेस्ट प्रोवाइड कराया था अभी पिछले डेज, तो उसी के आंसर पर आज हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने नहीं दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, आप टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप से, आप इस PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, आप टेस्ट पेपर जरूर दें। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हुए हैं, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेटर होगा, आपको भी पता चलेगा कि आप रीजनिंग में कितना ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अपने टेस्ट पेपर पर। ये सिलेबस है रीजनिंग का और हमें इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट पढ़ाई करनी होती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन जुड़े हैं तो आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो SSC के लिए ही जरूरी होता है और बैंकिंग के लिए कुछ स्पेशल होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बैंक के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो आइए आज का जो टॉपिक है वो टेस्ट पेपर का, इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए एनालॉगी का ही क्वेश्चन है और एनालॉगी के क्वेश्चन में इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। एनालॉगी हमारी तीन टाइप की होती है, मैथमेटिकल एनालॉगी, अल्फाबेटिकल एनालॉगी और इंग्लिश और हिंदी बेस्ड एनालॉगी। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश और हिंदी बेस्ड एनालॉगी है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इन तीनों पर मैंने वीडियो बनाई है, जिनको जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखें, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीजनिंग के नाम से, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में सब चीज़ की वीडियो जो है अवेलेबल है, काफ़ी टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट है, तो आप उनकी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, एरिथ्रोसाइटस है ना, एरिथ्रोसाइटस है, तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं ये किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एरिथ्रोसाइटस से हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ल्यूकोसाइटक, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, हार्ट और कार्डियोलॉजिस्ट है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, एक रिलेशन है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो वृक्क का संबंध किससे है, तो इसका भी जो आंसर होगा दोस्तों वो भी हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आंसर हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा सी नंबर आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कीटनाशक, यानी कि ये संबंधित है किससे, फसल से, तो रोगाणु निरोधक ये किससे संबंधित है, तो ये घाव से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, घाव से हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आशावादी हर्षवादी, ठीक है, आशावादी हर्षवादी, तो निराशावादी ये किससे हो जाएगा, तो ये ग्लूमी हो जाएगा, यानी कि दुखी से संबंधित हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मास रूल पर सॉल्व होता है, तो ये इसके भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पिछले ही बार मैंने अभी एक टेस्ट पेपर सॉल्व करवाया था रीजनिंग का ही, तो उसमें भी मैंने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था उसको मैंने करवाया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये साइन को चेंज करते हैं, प्लस का जैसे यहाँ पर दे रखा है कि प्लस का जो मीनिंग है वो है किसम स्टैंड फॉर डिवाइड, और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर, यानी कि मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो प्लस है, माइनस का जो अर्थ है वो मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का जो अर्थ है वो माइनस है। ठीक है, तो ये इसी पर बेस्ड सॉल्व करने होते हैं, तो इस पर बोर्ड मास का रूल लगता है, तो ये इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए सीरीज में है 4, उसके बाद 18 के बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, उसके बाद 100 आया है, फिर उसके बाद 180 लिखा है, फिर 294 है, और फिर 448 यानी 448 है, तो देखिए पहले 2 का स्क्वायर फिर करेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, उसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48, आगे जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। ठीक है, फिर आगे करेंगे 6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो इस तरह से सीरीज बनती जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा जो वो 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले दिया है 10, उसके बाद 11, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत सिंपल है, लग जाएगा, उसके बाद 18 और यहाँ पर फिर 38 है, और उसके बाद यहाँ पर 97.5 है, और उसके बाद यहाँ पर फिर दिया है 295.5 है ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 10 और 11, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से और प्लस 1 कर दें तो 11 आ जाएगा। अगर ये पैटर्न नहीं समझ में आता है तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और प्लस 2 कर देंगे, उसके बाद आप आगे बढ़िए, एक स्टेप अगर नहीं समझ में आता है तो एक स्टेप और बढ़ जाइए, तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 295, तो आगे हमें मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा। ठीक है,
तो आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, अब बीच की संख्याओं को समझते हैं कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। अब बीच की जब संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3/2 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। उसके बाद यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर देखिए 3/2 था और 3/2 हमने जोड़ दिया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +5/2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 97.5 हो जाएगा। अगली संख्या यानी कि 3 के बाद 2 बढ़ गया, फिर 3 में हमने 2 बढ़ाया तो 5 हो गया, 5 में 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 7/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे और प्लस उसमें 7/2 हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1037 यानी कि 37.75। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा डी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब यहाँ पर देखिए 8, 9 और 10 ये तीनों क्वेश्चन लगातार करने हैं और ये तीनों एक ही बेस्ड है, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर तीनों का ये दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 संख्याएं दी हुई हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और 1 अलग है, तो वह अलग संख्या ज्ञात करिए। मतलब एक ग्रुप बनाना है, 3 को एक ग्रुप में डालना है और जो उस ग्रुप से बाहर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर आंसर। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी जो दूसरा है वो दूसरा वंश का नाम है और पहला उसके क्या है जो स्थापित किए हैं यानी कि उनके संस्थापक हैं। ठीक है, उसका अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर, इसमें भी आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि बैरोमीटर और नमी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, पहला एक यंत्र है जो दूसरे को मापने का प्रयोग करता है, जो दूसरे को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर में क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा डी नंबर, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, आइंस्टीन और टेलीविजन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो पहला है वह वैज्ञानिक का नाम है और दूसरा उनके खोज है, तो यानी कि जो खोज किए गए हैं जिस वैज्ञानिक ने जो खोजा है उससे रिलेटेड है, यहाँ पर उसी का रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को सम संख्याओं यानी कि ए को हम 2 लिख दें, बी को 4 लिखें के मान से हम चिन्हित किया जाता है तो आगे ऐसा ही जारी रखा जाए तो शब्द लेडी का कुल मान क्या होगा, तो ठीक है एल ए और डी वाई है ना, तो यहाँ पर होगा देखिए इसका जो नंबर हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 1 है तो 1 हम लिखेंगे और डी को 4 तो 4 लिखते हैं और वाई का यहाँ पर हो जाएगा 25। ये सबके हमने नंबर वैल्यू लिख दी, जैसे ए का नंबर होता है 1 तो 1 का हम डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, बी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा, तो 12 का डबल हो जाएगा कितना, जब 12 को हम डबल करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा 24। ठीक है, 1 का डबल हो जाएगा 2, 4 का डबल हो जाएगा 8 और 25 का डबल हो जाएगा 50। ठीक है, और सभी नंबरों को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 84, कितना जाएगा 84 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 84। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कोडिंग दी गई है, कोडिंग रिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि लीडर है ना एल ई ए उसका डी ई आर, तो लीडर को हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग कर रखा है और इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें अगले नंबर पर भी बताना है यानी किसको एल आई जी एच और टी है ना एल लाइट, तो लाइट की हमें कोडिंग बतानी है। ठीक है, तो अब लाइट की जो कोडिंग बतानी है कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए हम L को तो लिख सकते हैं 20 क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है, L को 20 लिखा और सभी ऑप्शन में पहले नंबर पर 20 ही लिखा हुआ है। अब L की जो वैल्यू होती है वो होती है 12 और 12 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 है ना, तो 12 और 8 20 हो गया। उसके बाद E की वैल्यू होती है 5 और 5 में अगर 8 जोड़ दें तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ए की वैल्यू होती है 1 और 1 में जब 8 जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, तो देखिए 20 13 और 9 लिखा कि नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो अल्फाबेट के लेटर हैं उनमें हमने +8 ऐड करते गए हैं। ठीक है, कितना किया हमने +8 कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम काम करना है, कितना क्या करना हमें सेम काम करना है, सब में जोड़ देना है कितना 8 8 है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो 12 का हमने सीधा लिख दिया, 12 और 8 जोड़ दिया तो 20 हो गया और 9 और 8 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और लास्ट में जोड़ दीजिए फटाफट 20 और +8 करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो यानी कि पहली संख्या 20 होगी और लास्ट संख्या 28 होगी, तो ऑप्शन नंबर सीधा दिख रहा है हमारा डी नंबर, तो इसलिए हम आंसर डी लगा के निकल लेंगे है ना, क्योंकि हमें बाकी सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें समय नुकसान नहीं करना है, तो हम थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसको करेंगे सॉल्व। क्लियर, अगला नंबर है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन आप लोग लगा लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 17वां और बी का स्थान नीचे से 11वां है, अगर सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में स्थित हो तो बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है, यही बताना हमें, तो सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत क्लियर।
आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका आंसर जो आएगा वो दोस्तों आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आएगा, ठीक है। तो बी व सी के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं तो यही हमें बताना है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले 17 और प्लस 11 जोड़ दीजिए, तो 17 और प्लस 28 हो जाएगा। 28 जोड़ेंगे उसका टोटल कितने हैं? 49। 49 में से 28 को घटा दीजिए तो टोटल कितना बनेगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। अब 21 को आधा कर दीजिए तो 21 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर कर दीजिए तो जो वैल्यू आएगी 10, वही 10 आंसर ले लेना हमें, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। यहां पर पूछा है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था तो 6 बजने में कितने मिनट से सभी बचे हैं? तो कितने बजे, कितने मिनट पहले? 50 मिनट पहले, ठीक है। 50 मिनट पहले कितना बज रहा था? 4:45। अब 4:45 में 50 मिनट और जोड़ दिया जाए तो जो अगली वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5:00, वो कितना हो जाएगा? 5:35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:35। तो अभी 6 बजने में कितना समय बाकी है? अभी 25 मिनट के बाद 6 बजेगा, तो वही पूछ रहा है कि 6 बजने में कितने मिनट अभी शेष बचे हैं, तो ये 25 हो जाएगा आंसर, क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, मार्च 2013 में किस किस दिन पर बुधवार आएगा? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगर जिसको पता है थोड़ा बहुत, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है कैलेंडर के टॉपिक को, तो आप सिंपल सा है, पहले आप निकाल लीजिए कि 1 मार्च को, यानी कि 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन आएगा। अब ये देख लेना है कि 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो 1 मार्च 2013 को अगर ये पता लग जाएगा कि कौन सा दिन है, मान लीजिए इस दिन संडे था, मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी आएगा, है ना। तो इस दिन पता लग जाएगा आपको इस दिन कौन सा दिन था, तो उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि बुधवार कब पड़ेगा। मान लीजिए इस दिन संडे हो गया तो संडे को, यानी कि 2 तारीख को फिर मंडे होगा, 3 तारीख को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, 4 तारीख को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे होगा। तो अब 4 तारीख को वेडनेसडे शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पर तो हम सोच सकते थे 4 को, लेकिन अगर इस दिन संडे नहीं हुआ, मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले 1 मार्च 2013 को चेक कर लेंगे कि 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन है, और जो दिन होगा उसी हिसाब से चेक कर लेंगे, और हम 7-7 दिन फिर जोड़ते चले जाएंगे। 7-7 दिन जब जोड़ेंगे तो 7-7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है, तो हम उसी क्रम में यहाँ पर सीरीज को सजा देंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर लगेगा नाइदर का केस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सिलॉक का क्वेश्चन है, तो मैं अभी सिलॉक के टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप लोग वहां पर जुड़ देखिएगा इसको, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर है। इसमें जो बोला गया है कि एक दुकान में 54 कपबोर्ड थे और प्रत्येक कपबोर्ड में 28 रैक बने थे, ठीक है। पहले कितने थे? 54, और 54 में कितने थे? 28 रैक थे, ठीक है। और प्रत्येक रैक में 10 थे, यानी कि प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स भी थे, और प्रत्येक बॉक्स में 4 सेट रखी थी, तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे को। क्या कर दिया हमने? सबको मल्टीप्लाई कर दिया। और जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 60,480, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि एक दिन में 50 बॉक्स बेचे गए थे। एक दिन में कितने बॉक्स बेचे गए थे? 500 बॉक्स, है ना, 500 बॉक्स बेचे गए थे, और क्योंकि एक बॉक्स में कितने हैं टोटल? 4 सेट रखी गई थी, तो 500 × 4 कर देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, बेचे गए, और 250 बॉक्स जो खरीदे गए थे, तो 250 खरीदे भी तो गए थे, तो 250 × कितना करेंगे हम? 4 कर देंगे, और हम इसको घटा देंगे क्योंकि इतना बेचा गया इतना खरीदा गया, तो बेचे गए में से जो खरीदे गए उनको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जो आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2000, और 2000 − 1000 कर देंगे तो बचेगा कितना? 1000 बच गया। अब 1000 बच गया तो हम क्या करना है अभी? अभी हमें कुल उस दिन जो है कुल कितनी कमीजों की संख्या थी हमें यही बतानी है, है ना। तो उस दिन कुल कितने शर्ट बचे थे? तो टोटल जो था वो इतना था, है ना, और इसमें से अभी ये हमने क्या करना है? घटा देना है। तो 60,480 में से जब 1000 घटाएंगे तो 59,480 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 59,480 हो जाएगा। तो हमारा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। आइए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। माता, पुत्री और पुत्र की आयु का जो योग है वो 87 वर्ष है। क्या है? माता यानी कि मदर, और प्लस यहाँ पर क्या है? डॉटर, और प्लस यहाँ पर कौन है? सन। इनकी आयु का जो योग है वो है 87 वर्ष है, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? 8 वर्ष बाद मतलब
अब आठ नहीं जोड़ देना, सिर्फ आठ ही नहीं जोड़ना है इसमें, क्यों? क्योंकि 8 साल के बाद मतलब 8 साल माता की बढ़ेगी, फिर इसकी पुत्री की भी बढ़ेगी 8 साल, और फिर इसके सन की भी यानी कि पुत्र की बढ़ेगी 8 साल। तो तीनों की मिलाकर के जो बढ़ेगी वो कितनी बढ़ जाएगी, तीनों की मिलाकर बढ़ेगी हमारी कितनी, 24, है ना, 8 तारीख हो जाएगा 24, तीनों की मिलाकर के बढ़ जाएगी 24। तो 87 में प्लस 24 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 111। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर, ठीक है। क्योंकि 8 साल के बाद, 8 साल बाद मतलब 8 साल मम्मी की भी बढ़ेगी आज आयु, है ना, और 8 साल उसकी पुत्री की, फिर 8 साल उसके पुत्र की बढ़ जाएगी, तो तीनों की जब बढ़ेगी तो 24 हो जाएगी टोटल, इसलिए 87 में 24 जोड़ देना तो 111 हो जाएगा आंसर। अगला नंबर है 20 नंबर, इसमें पूछा है कि समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में दो अक्षरों को हटाया गया है, यानी कि जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पांच चारों ऑप्शन में, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो लेटर दिए गए जैसे एम और पी, फिर एस वी वाई बी ई, इन सभी लेटर के बीच में दो अक्षरों का गैप होना चाहिए, तो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा जिसमें दो दो अक्षरों का गैप है, बाकी सब में चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अक्षरों के समूह में दो से अधिक स्वर नहीं होना चाहिए, यहां पर देखिए नहीं होना चाहिए लिखा गया है, ठीक है, काफी बच्चे यही यही क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं इसलिए गलत कर जाते हैं, तो यहां पर बोला नॉट, ठीक है, तो इसलिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है नॉट कंटेंट, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर आंसर जो बनेगा वो ए नंबर हो जाएगा, इसमें सिर्फ दो ही स्वर है बाकी सब में तीन तीन स्वर हैं, तो इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में से हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए, ठीक है, पूर्णतः नया शब्द बन जाए, तो इसमें एम एक ऐसा अक्षर है जिसको हटा दिया जाएगा अगर, तो सब में से एक अक्षर बन जाएगा, ठीक है, इसमें एम हटा दें तो एक नया वर्ड बन जाएगा, इसमें से एम हटा दें तो नया वर्ड बन जाएगा, इसमें से एम को हटा दें तो नया वर्ड बनेगा इसमें से भी, ठीक है, तो एम एक ऐसा शब्द है जो सब में से हटा देने से क्या हो जाएगा, एक नया वर्ड बन जाएगा, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 23 नंबर, 23 नंबर में यहाँ पर ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीस हो जाएगा, ए नंबर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी SSC का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक नए पैटर्न पर ये जो सिंबल दिए होते हैं वो सिंबल के बेस पर नहीं होता सॉल्व, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो देखिए 324 है और 289 है, तो यहाँ पर मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि स्क्वायर क्यूब रूट याद होना बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प होती है, ठीक है, जब ये चीज़ें याद रहती हैं आपको। तो 324 है, देखिए 18 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, और ये 289 जो है ये आपका किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। अब 18 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है, तो 18 और 17 को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 35 बनेगा, कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। अब 441 है, 441 देखिए 441 किसका स्क्वायर है, 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है ना, 21 का स्क्वायर है। अब 484 किसका स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है। अब 22 और 21 को जब जोड़ेंगे तो 43 आएगा ही नहीं आएगा, यानी कि 43 आ जाएगा। तो इसी तरह से सभी जो नंबर दिए गए हैं उनको देखना है कि क्या वो किसी की स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 256 है ये 16 के स्क्वायर है और 729 जो है वो 27 के स्क्वायर है। अब 16 और 27 जब आप जोड़ेंगे तो 43 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है, 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, तो ये 16 के स्क्वायर है और ये 27 के स्क्वायर है, तो इसलिए हमने 16 और 27 को जोड़ दिया, तो इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा 43, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी के 100 परिवार में 50 सदस्य रेडियो, 75 सदस्य टीवी और 25 सदस्य के पास VCR है, केवल 10 परिवारों के पास सभी तीन हैं और प्रत्येक VCR वाले के पास एक TV भी है, यदि कुल परिवार के पास केवल रेडियो है तो कितने परिवार के पास केवल TV है। तो दोस्तों इस पर भी मैंने वेन डायग्राम पर एक क्वेश्चन, एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है और बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर मैंने चीज़ों को समझाया है, तो जिनको दिक्कत है तो इस वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट पे और वहाँ पर पूरी वीडियो अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप यूपी से रिलेटेड हैं, कुछ बच्चे यूपी से जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम, यूपी का कोई भी एग्जाम होता है उसमें ये भर भर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6-6, 7-7 क्वेश्चन आते हैं इस वेन डायग्राम से, ठीक है, तो वेन डायग्राम के इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जो वेन डायग्राम में है इसमें हो जाएगा आंसर 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, यदि 16 डिवाइड 4 बराबर यहाँ पर कितना है, 74 दिया है, ठीक है, तो 74 है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो इसके आंसर जो होंगे वो डी नंबर हो जाएंगे।
आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो हमारा है वो 27 है। अब इसका आंसर हमें बताना है क्या आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है देखिए, हमने क्या किया, पहले पहले एक स्टेप को समझ लीजिए। देखिए इसको दो तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, एक करते हैं हॉरिजॉन्टल और एक करते हैं वर्टिकल, ठीक है, यानी कि रो और कॉलम बेस्ड। पहले हमें चेक करना होता है रो के हिसाब से, और अगर रो के हिसाब से नहीं है तो हम इसको कॉलम के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है, दो यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। तो दो तरीके से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए कंपेयर जो करना है वो पहली लाइन को चेक करते हैं। देखिए बड़ी संख्या आ रही है तो पहले हमें इसको चेक करना है कैसे, कॉलम के हिसाब से। तो 4, 5 और 6, अब यहाँ पर 45 आया हुआ है, तो बड़ी संख्या, अब कैसे बड़ी संख्या आ सकती है, तो हमने क्या किया, पहले पहले हमें क्या करना था, पहले 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। किसका स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद प्लस कर दीजिए 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया है कि पहले हमने 4 का स्क्वायर किया, उसके बाद प्लस हमने फिर क्या किया, 6 का स्क्वायर किया, और माइनस हमने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, तो आंसर कितना बन जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज बन रही है इसलिए यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 पूछा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज पूछ रखा है, ठीक है, कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज जो संख्या होगी वो हो जाएगी 16। अब कैसे होगी 16, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बड़े वाले फिगर को अगर हम काउंट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा वाला फिगर बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 3। कितने बनेंगे, फिगर जो बनेगा वो 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो फिगर बनेगा यहाँ पर भी बन जाएगा 3। उसके बाद इस छोटे फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये जो फिगर बन रहा है ये यहाँ पर भी बन जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर भी 3 बनेगा, कैसे बनेगा, ये फिगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 3 बन गया टोटल। अब इस कॉर्नर पर 2 और इस कॉर्नर पर 2, ठीक है। अब सबको जब आप जब जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 1 2 3 4, 12 12 और 4 16, तो 16 ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है ट्रायंगल काउंट करने का, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 नंबर है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जब कभी ऑप्शन में आपके ऑप्शन में आइदर लगा हो, कभी भी ध्यान रखना, तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से उसका आंसर लगाना, क्योंकि आइदर है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना आसान तब नहीं लग सकता, ठीक है, क्लियर। तो इस ऑप्शन में जब आप लगाएंगे तो इसके 2 डायग्राम बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, 2 डायग्राम बनेंगे, क्योंकि सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो और कितने लोग हैं टोटल, ये देख लीजिए, 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं तो पहले सबसे पहले तो आप 6 लोगों को ऐसे बना लीजिए, और आइदर का केस कैसे बन रहा वो देखिए ध्यान से, ठीक है। हमने 6 लोगों को बना लिया। अब यहाँ पर बोला गया है पहले कि एन ओ और पी के बीच में है, तो देखिए एन यहाँ पर हो जाएगा और ओ यहाँ पर आ जाएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं, ये नहीं बोला है कि एन के दाएं बैठा है पी या एन के बाएं बैठा है पी, तो इसलिए पी यहाँ पर भी आ सकता है, एन यहाँ पर और ओ यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, ये है आइदर के केस। तो आइदर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, तो यहाँ पर आ सकता है कौन, ओ आ सकता है, तो इसलिए इन दोनों की पोजीशन बदल सकती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एन आएगा, क्लियर। अब आगे बोला है कि M O और Q के बीच में है, जो M है वो O और Q के बीच में है, कहाँ पर है, M यहाँ पर हो सकता है O और Q के बीच में, अगर O यहाँ पर होगा तो M यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ आ जाएगा, ठीक है। R और P एक साथ खड़े हैं तो R यहाँ पर भी देखिए हो जाएगा, और R और P एक साथ है तो R यहाँ पर भी हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया। अब जब 2 डायग्राम पॉसिबल है तो आंसर आप कैसे दे सकते हो, क्यों, क्योंकि पूछा गया है आपसे कि N व R के बीच में कौन खड़ा है, N और R के बीच में कौन खड़ा है, तो देखिए N और R के बीच में P भी खड़ा है और यहाँ पर N और R के बीच में यहाँ पर भी P खड़ा है, ठीक है। तो N और R के बीच में P खड़ा है, तो हमने आंसर दे दिया, सॉरी N और R के बीच में यहाँ पर भी P कर दिया हमने, N और R के बीच में यहाँ पर P हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर तो देखिए P हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता M और N के बीच में, है ना, कुछ और चीज़ें होती तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, क्या हो जाता, थोड़ा सा डिफरेंट हमारा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। N और R के बीच में कौन खड़ा है, तो हम N और R के बीच में यहाँ पर P को खड़ा कर दिया, ठीक है, N और R के बीच में P हो जाएगा, तो इसका आंसर P हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस केस में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पहले बताया है कि इनकी पोजीशन बदल सकती है, ठीक है, इसलिए राइट और लेफ्ट के अगर केसेस होते हैं तो वहां पर चांसेस अलग हो जाते हैं, क्लियर। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। ये देखिए स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से रिलेटेड है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा बनेगा वो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा फॉलो करेगा, जो कि ये हमारा आंसर है। इफ
ओनली आर्गूमेंट सेकेंड इज स्ट्रांग, यदि केवल तर्क सेकेंड मजबूत हो, तो इसलिए दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा ये हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ पर पांच ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें से हमारा ये आंसर सही होगा, केवल यदि केवल दूसरा तर्क मजबूत होगा, तो इसलिए यहाँ पर ओनली सेकेंड फॉलो करेगा। क्लियर। तो बस ये 30 क्वेश्चन थे, जिन्होंने जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ जरूर ले लेंगे और उस पीडीएफ से इस क्वेश्चन को पूरे से अच्छे से सॉल्व करें, काफ़ी टाइम ले लेकर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, और किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियोज़ में, और इस तरह की मैं पीडीएफ और भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।